हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष। आज मैं आपको डेली यूज किए जाने वाले 10 सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपके डेली काम आएंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले है माफ़ कीजिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन या आई एम सॉरी। नेक्स्ट है मुझे दुख है, आई एम सॉरी या आई एम सॉरी। नेक्स्ट है ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स वाज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट सेंटेंस है माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अगला सेंटेंस है माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटिल लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे अलाउ मी टू से। अगला सेंटेंस है ज़रा ध्यान दीजिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे अपनी ही चीज़ समझें। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जरा धीरे बोलिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज स्पीक स्लोली। अगला सेंटेंस है क्या आप मुझे बैठने देंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे विल यू प्लीज लेट मी सिट। अब लास्ट सेंटेंस है आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह की और इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।